वर्तमान युग जिसे आधुनिक युग कहा जाता है में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशेष महत्व है। राजमार्ग न केवल परिवहन की दृष्टि से बल्कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो इनका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवहन के अन्य साधन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में सड़कों के निर्माण को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के कार्य में विशेष तेजी आई है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उससे परिवहन के अन्य साधनों का भी विकास संभव हो पाया है। विकास विमान एवं रेलगाड़ियां परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग इन सब के बावजूद परिवहन का प्रमुख साधन बने हुए हैं। कारण यह है कि विमान एवं रेल सेवा के विस्तार की संभावनाएं सीमित है, इसलिए सरकार ने राजमार्गों के विकास पर जोर देकर सारे देश में इनका जालसा बिछा दिया है। फिर भी देश के पहाड़ी एवं दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कमी है। आज़ादी के पश्चात 1984 में राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इनके विकास की नई नई योजनाएं बनी, जिससे कुछ नए राजमार्गों का विकास हुआ एवं पुराने मार्गों की मरम्मत एवं रखरखाव में तेजी आई। राजमार्गों के रखरखाव एवं सुधार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ही है, परंतु संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश सरकारें इस कार्य को उचित महत्व नहीं दे पाती हैं। इसके अतिरिक्त राजमार्गों के विकास के काम में राज्यों के बीच में कोई सामंजस्य भी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1989 में एक सरकारी अधिसूचना के जरिए किया गया। प्रथम चरण में प्राधिकरण 3 एक्सप्रेसवेज का निर्माण करेगा, जिनकी कुल लंबाई 812 किलोमीटर होगी। इन राजमार्गों में बम्बई और पुणे के बीच 145 किलोमीटर, बड़ोदरा और बम्बई के बीच 422 किलोमीटर एवं मद्रास और बंगलोर के बीच 325 किलोमीटर सड़कें होंगी। इन पर 19 अरब रुपये खर्च आएगा। एक्सप्रेस वेज की विशेषता यह होगी कि इन पर काफ़ी तीव्र गति से वाहन चल सकेंगे। भूतल परिवहन मंत्रालय ने कुल 4500 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वेज के निर्माण एवं सुधार का लक्ष्य रखा है। देश के आर्थिक विकास में राजमार्गों के योगदान को देखते हुए सरकार ने राजमार्ग निर्माण के कार्य को उद्योग की शक्ल देने पर विचार कर रही है। सरकार का मत है कि राजमार्गों के निर्माण विकास तथा विस्तार में सरकारी एजेंसियों के साथ ही निजी एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाएगा। इनके जरिए देश में राजमार्गों के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में सरकार ने एक उल्लेखनीय कदम यह उठाया है कि इस क्षेत्र में कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया जा रहा है। इससे राजमार्गों की योजना बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इन सभी उपायों से देश में लोगों को यातायात की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वर्तमान सरकार जल्दी से जल्दी कृषि पर निर्भरता कम करके लोगों को उद्योगों में लगाने के लिए तत्पर है, संकल्पबद्ध है, उतावली है। वह जानती है कि प्रदेश की सारी श्रम शक्ति खेती में नहीं लग सकती है, उसका दूसरा उपयोग जल्दी से जल्दी तलाश करना होगा, क्योंकि श्रम शक्ति ही प्रदेश को उन्नत और समृद्ध कर सकती है। यह ऐसा साधन है जिसका अपव्यय या जिसकी उपेक्षा प्रगति के रास्ते में बाधक है। औद्योगिकरण की दौड़ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के पिछड़ जाने का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक है। अंग्रेज बंबई, कलकत्ता, मद्रास पर आकर टिके तो आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता मिली, वहां औद्योगिक विकास का वातावरण बना, किंतु उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य अंग्रेजों की आँखों के कांटे थे। सन 1957 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सन 1947 तक आज़ादी के हर तरह के आंदोलन में उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य अग्रणी थे। उसकी सजा उसे आर्थिक उपेक्षा के रूप में मिली। यहाँ के फलते फूलते उद्योग भी नष्ट कर दिए गए, नए उद्योग लगाने की बात ही नहीं उठती थी। आज़ादी के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया। प्रदेश की साधनहीनता, उद्यमी मिजाज व औद्योगिकरण की हवा का अभाव और कल कारखाने लगाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों के पूरा न होने के कारण इस दिशा में प्रगति
धीमी रही। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, साधन बढ़ते गए, उद्यम का मिजाज बनता गया, औद्योगिकरण की हवा भी बनती गई, नए नए कल कारखाने लगने लगे।